कई बार आपको कहा कि आपके यहाँ अगर धन की कमी पड़ रही है, पैसा नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, धंधा नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, तो हमने बार बार आपको कहा है कि सोमवार की सोमवार एक दिया बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाओ घी का, और एक दिया शंकर के मंदिर की चौखट पर लगा के लिए किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं, बार बार आपको कहा लगाओ, एक दो सोमवार लगाकर तो देखो व्यापार चलता नहीं चलता, उस पर विश्वास रखकर लगाओगे सुख मिलेगा, आनंद की अनुभूति होगी। महामृत्युंजय मंत्र का यदि आप जाप करते हो सोमती अमावस्या कल, और आपको मालूम पड़ गया स्वस्तिक आपको बनाना है कि शरीर में मुझे ये रोग हो गया है, मुझे शुगर हो गया है, मुझे बीपी हो गया है, मेरा ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा रह रहा है, कोई भयंकर रोग, मेरे रिश्तेदार को कोई कैंसर जैसा रोग हो गया, किसी को कोई थायराइड हो गया, किसी को कोई किडनी और लीवर में सूजन हो गई, किसी को कहीं किडनी और लीवर में तकलीफ हो गई, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, नवग्रह शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो शुक्रवार की शुक्रवार घी का दिया लगाकर करता है, उसके रोग बाबा देवाधिदेव महादेव समाप्त करते चले जाते हैं। ये संजीवनी मंत्र शुक्रवार के दिन भगवान शंकर को शुक्र को दिया था, शिव मंदिर की चौखट पर जो दिया लगाओगे उसमें दो बत्ती लगेगी, लंबी वाली, लंबी बत्ती दो लगेगी घी की, वो बत्ती आपको शंकर के मंदिर पे दिया कहाँ रखना है, जहां स्वस्तिक बनाओगे उसी के ऊपर दो बत्ती का दिया लगाओगे, उस समय पर दिए का जो बत्ती है उसका मुख अपनी ओर होना चाहिए, और भगवान शंकर की चौखट पर प्रणाम कर कर निवेदन शुक्रवार के दिन कर कर आप आइए, आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आप जिस बैठ कर चीज की कोचिंग कर रहे हो, जिस चीज का दिया लगा आपको वह फल प्राप्त, शरीर में जो जिन कन्या और वर के विवाह नहीं हो रहे हैं सोमती अमावस्या के दिन शंकर जी से विनय कर कर हे भोलेनाथ आपने शुक्र देव को संजीवनी मंत्र दिया है, तो क्या मेरे को वो मंत्र प्रदान नहीं करोगे, और मेरे रोग, मेरी बीमारी, मेरे दुख बहुत आप नहीं हरोगे, शिव से कहो या ये शरीर आपने दिया है और भजन करने के लिए दिया है, स्मरण करने के लिए दिया है, कीर्तन करने के लिए दिया है, तो संभालो देवी श्रावण के महीने में पड़ने वाली बेलपत्री की ओर मुख कर कर निवेदन है का दिया लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेने, जिसमें पीला चंदन धीरे धीरे पात्र के जल में एक कलश में जल लीजिएगा, पीला चंदन घोल लीजिए, पीला चंदन घोलकर उसमें थोड़ी सी काली मिर्ची पीस कर मिला लीजिए, ओम नमः शिवाय नमस्ते, काली मिर्ची को पीस कर डाल दीजिए, और उसमें सात बेलपत्र उसके अंदर डाल दीजिए, सात बेलपत्र के साथ में सात वृक्ष के पत्ते, कोई भी वृक्ष जो आपके पास में हो सात वृक्ष के पत्ते उस कलश में डाल दीजिए, घर से निकलते समय पूरे घर का भ्रमण करते हुए जिस व्यक्ति को रोग बहुत है उस व्यक्ति का स्पर्श कराते हुए वो जल शंकर भगवान के ऊपर समर्पित कर थोड़ा सा जल बचाकर पत्तियां सब शिव जी को चढ़ाकर थोड़ा सा जल बचाकर शंकर की देहली पर चढ़ा दीजिए, शंकर की चौखट पर, भगवान शंकर के शिवलिंग की चौखट पर समर्पित करें, शिवलिंग की चौखट पर समर्पित कर उसी जल जो आपने देहली पर चढ़ाया है उसी जल का भाग थोड़ा सा कटोरी में एक चम्मच के बराबर लेकर आइए, जो व्यक्ति बीमार है उसके शरीर पर उसको छींटा दीजिए, तीन बार छींटा देना है, सुबह, दोपहर और शाम, उसके बाद में बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करिए, शाम के समय घर के बाहर एक घी का दिया अवश्य लगाइए, मुझे पूर्ण उम्मीद है सोमती अमा आप लोग को अगर पंडित प्रदीप मिश्रा जी का यह उपाय अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन घंटी दबाइएगा, ओम नमः शिवाय नमस्ते भैया।